बनाने के लिए मैं सबसे पहले एक कप पानी लूंगी, बड़े वाला। इसमें जाएंगे 4 लौंग और इतनी सी सिनेमन स्टिक। 1 फुल चम्मच टी स्पून का इसमें मैं डालूंगी सौंफ। 1/2 चम्मच के करीब मैं डालूंगी इसमें अजवाइन और इसको बॉईल होने तक इसको पका लूंगी। हमारा पानी बॉईल होता है तब तक मैं धनिया की पत्तियां ली हैं, मैंने हरी मिर्च ली है, अदरक लिया है, उतनी देर तक मैं इन चीज़ों को पीस लेती हूँ। मैं एक ब्लेंडर में इसमें डाल दूंगी सभी चीज़ों को। अब मैं इसमें ऐड करूंगी नमक एंड लाल मिर्च। खट्टा मीठा पानी बना रही हूँ तो मैं इसमें थोड़ी सी शुगर भी डालूंगी, मुझे लगता नहीं दिख रहा है। सॉरी मेरा कैमरा हो। अब इसमें 2 चम्मच मैं डाल दूंगी शुगर के, थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी ठंडा। अब इसको मिक्सी में हम पीस लेंगे। हमारा पानी अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। देखिए पानी को उबलते हुए 10 मिनट हो गए हैं, थोड़ा सा कम हुआ है। अब इसको मैं स्टोव को बंद कर दूंगी, इसको छान लूंगी मैं। पानी को मैं छलनी के साथ छान लूंगी। सौंफ, अजवाइन, लौंग और जो मैंने दालचीनी डाली है इसका मैंने सब की तरह मैंने इसको उपयोग किया है। इसका मैंने एक पानी तैयार कर लिया है। इससे क्या होता है कि पानी पेट नहीं खराब होता। गोलगप्पे आप जितने मर्जी खाओ, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हमेशा ठीक रहेगा, कभी भी आपका पेट खराब नहीं होगा। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पिसा हुआ पुदीना धनिया जो हमने पिसा था ब्लेंडर में वो मैं इसमें डाल दूंगी। इमली का पल्प मैंने अभी तैयार किया है। खट्टा मीठा पानी बना रहे हैं तो इसलिए खट्टी इमली का मैंने पल्प लिया है। इसमें अब जाएगा 1/2 से 1.25 लीटर के करीब पानी। अब इसमें डालूंगी ब्लैक सॉल्ट 1/2 चम्मच से थोड़ा सा ज्यादा, पानीपुरी मसाला मेरे पास पड़ा था इसलिए मैं यूज कर रही हूँ, अगर ना हो तब भी चलेगा। 1 से 2 चम्मच के करीब इसमें डाल दूंगी मैं। थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च, भुना हुआ जीरा, थोड़ा सा ज्यादा नहीं। अब इसको मिक्स कर लेंगे आइस के साथ। नून मिर्च आप पानी पूरी के पानी में अपने स्वाद अनुसार कर सकते हो। नमक अगर आपको कम पसंद करते हो तो कम डाल सकते हो। खट्टा मीठा पानी जैसे भी आपको बनाना हो आप बना सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो मैंने आपको जो सबसे पहले जो पानी बॉईल करके दिखाया है, सौंफ, अजवाइन और वो नई चीज़ है आपके लिए, वो ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आने वाला है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी मैं। देखिए पानी मैंने टेस्ट करके देखा है, मुझे हल्का सा ये कम खट्टा लग रहा है, लाइक मीठा लग रहा है। तो मैं इसमें थोड़े से दो चम्मच के करीब मैं, टीस्पून के करीब मैं इसमें मीठा डालूंगी और पानी थोड़ा सा मेरा गाढ़ा है, इसमें जाएगा 1/2 ग्लास के करीब और पानी एंड आइस। गर्मी है तो फिर आइस का प्रयोग तो ज़्यादा ही होगा। तो पानी हमारा बन के हो गया है तैयार। इसमें अब मैं डालती हूँ बूंदी, तो बाद फिर गोलगप्पे बनाने सिखाती हूँ। गोलगप्पे बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप गेहूं का आटा, 2.5 चम्मच के करीब है ये सूजी, बारीक वाली है, एंड पिंच से भी कम मैंने लिया है खाने वाला सोडा।
बेकिंग सोडा और गुनगुना पानी लिया है। पानी मैं जितने मुझे रिक्वायर्ड होगी उतना मैं यूज़ करूँगी। थोड़ा सा तेल बाद में हाथ को लगाकर उसको मसलेंगे। अब एक बॉल ले लिया है मैंने, उसमें पहले गेहूं का आटा डालेंगे, सूजी, सोडा, इसमें नमक नहीं डालेंगे। अगर आप चाहते हो तो डाल सकते हो, सोडा भी आपकी मर्ज़ी, अगर डालना चाहते हो तो आप मिक्स कर सकते हो, लेकिन इससे थोड़ा सा क्रंचीपन आ जाएगा गोलगप्पों में। मौन हम नहीं डालेंगे। अब हम गुनगुने पानी से इस आटे को गूंद लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें गूंदना है, एकदम से पानी नहीं डालना सारा। एक एक दो दो चम्मच डाल के पानी को हमें इस आटे को गूंदना है। पूरियों के आटे से थोड़ा सा टाइट होता है गोलगप्पों का आटा, आपने उसी हिसाब से ही गूंदना है। आटे में हमने सूजी डाली है, सूजी डालने से गोलगप्पों में क्रंचीपन आ जाता है। आप सिर्फ आटे के भी बना सकते हो, लेकिन सूजी डालने से गोलगप्पों में क्रंचीपन आ जाता है। अब देखो मैंने बहुत थोड़ा सा पानी लिया, मुझे लगता है 4 चम्मच भी नहीं लगे होंगे मेरे। अब इसको अब अच्छी तरह से मसल लेंगे। बहुत ही टाइटो बनी है। अब देखिए मैंने प्लेटफॉर्म के ऊपर एक चकला रख लिया है, इसके ऊपर मैं अपने आटे को मलूंगी हल्का सा पानी लगाकर हाथ में इस तरह से। आपको अच्छी तरह से आटे को मसलना है इस तरीके से। अभी देखो ये थोड़ा सा आटा जुड़ा हुआ नहीं है, इसको मिक्स करना है, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करना। 7 से 8 मिनट तक आपको इस आटे को मसलना है इस तरह से हथेली के साथ। अब देखिए आटे को मलते हुए पूरा टोटल टाइम मुझे 7 से 8 मिनट लग गया है और इसमें कोई भी क्रैक्स नहीं है। अब मैं एयर टाइट कंटेनर में गीले कपड़े के साथ इसको बंद करके रख दूँगी। 10 से 15 मिनट के लिए मैं इसको रेस्ट करवाऊँगी अपने आटे को, उसके बाद हम गोलगप्पे तलने की तैयारी करेंगे। देखिए आटे को गूंदे हुए पूरे 15 मिनट हो गए हैं, इसको खोल के देख लेते हैं। आटा हमारा बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसको थोड़ा सा तेल लगाकर, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा तेल लगाकर इसको हम बाइंड कर लेते हैं 1-2 मिनट के लिए। अब इनको मैं 4-5 पोर्शन में इनको अलग अलग कर लूँगी, कंटेनर में रख दूँगी। एक पोर्शन की जितनी भी लोइयाँ बनी उससे हम गोलगप्पे तैयार करेंगे।
इतने इतने छोटे छोटे पोर्शंस में। देखिए इस तरह से मैं सभी तैयार कर लूँगी। नेक्स्ट वाले को भी इसी तरह हम तैयार कर लेंगे। मैंने सभी को तैयार कर लिया है, अब इसको डबल कर लिया ताकि जल्दी हो जाए काम। इस तरह से अब मैं सभी लोइयों को गोल गोल करके ऐसे प्रेस कर लूँगी। इस तरह से एक एक करके आप चाहे तो एक रोटी बनाकर उसको किसी कटर के साथ काट सकते हो, लेकिन मुझे इस तरह बनाने अच्छे लगते हैं। अब मैंने सारी लोइयां अपनी फ्लैट कर ली हैं राउंड करके एक साइज़ की। अब इसमें थोड़ा सा मैं ऑयल डालूँगी, 2-3 ड्रॉप्स, और इसको मैं मिक्स कर लूँगी। हाथों से कर लो, ये करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पेड़े अपने आप में ना जुड़ जाएंगे। अब इसके बाद फिर हम लोइयों को बेल लेंगे, एक एक करके इसको बेल लेंगे। देखिए थिकनेस इसकी इतनी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और एक ट्रे में मैं इसको रख लूँगी इस तरह से। आप चाहे गोल बना लो, चाहे आप ओवल शेप की बना लो, आपके ऊपर है, जैसी भी आपको पसंद है। पर बेलते हुए आपको इस चीज़ का ध्यान जरूर रखना है कि बहुत ज़्यादा आपको पतली नहीं बेलनी है, नहीं तो आपके गोल गप्पे फूलेंगे नहीं। मैंने सभी अपने गोलगप्पे तैयार कर लिए हैं। तेल गर्म होने तक मैं इसको ढक दूंगी ताकि ये ऊपर की जो हमारी परत है वो सूखे ना। अब देखिए गोलगप्पे बनाने में शुरू कर रही हूँ, एक एक करके डालो। बस इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो सरफेस ऊपर था उसको ऊपर रखना है, जो नीचे है उसको नीचे रखना है। और हीट का टेम्परेचर भी बहुत अच्छा होना चाहिए, जैसे जब गोलगप्पे डालने हैं ना, ये वाला सरफेस ऊपर है तो इसको ऊपर ही रहने देना ऐसे, तो नीचे वाला जो सरफेस है उसको ऐसे नीचे डालो, तभी आपका गोलगप्पा फूलेगा, नहीं तो गोलगप्पा नहीं फूलेगा। ठीक है, तो इसी तरह मैं अपने सारे गोलगप्पे तैयार कर लूँगी। गोलगप्पे का हमारा पानी बनके हो गया तैयार। इसी के साथ मैंने आलू को भी रेडी कर लिया है। 2 आलू को मैंने बॉईल कर लिया था और उसके साथ मैंने धनिया पुदीने की चटनी ऐड कर दी थी और उसमें इमली की चटनी। अगर आप चाहें तो सॉल्ट पेपर एंड काली मिर्च और लाल मिर्च आप डाल के इस मिक्सचर को तैयार कर सकते हो। अब हम प्रिपेयर करते हैं गोलगप्पे। हमारे गोलगप्पे बहुत अच्छे बने हैं। अब इसमें हम आलू का मिक्सचर कर देंगे, भर देंगे, मीठी चटनी, और खट्टा मीठा पानी के साथ मैं आज इसको सर्व करने वाली हूँ।
आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बता दीजिएगा, एंड वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। अगली वीडियो तक आप सबको सत श्री अकाल, नमस्कार एंड आदाब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।